आवाज है। आज ये आंसू में डूबा हुआ गाना किस लिए? क्योंकि आज के बाद फिर गाना जो नहीं है तुम्हारे लिए। गाना नहीं मेरे लिए? क्यों क्यों गाऊं मैं? मैं चोरी के उजाले में जीना नहीं चाहती। क्या बात क्या है, साफ साफ कहो ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अकेले नहीं हो, शादीशुदा हो। ये बात है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया। तुम अगर ये बता देते तब भी यही होता, बिछड़ कर दिल तब भी टूटा पर यूं ना टूटता। लेकिन ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ? तुम मुझे कहाँ छोड़ रहे हो, छोड़ तो मैं रही हूँ तुम्हें। सितारा, तुम अपनी पत्नी के हो। मैं खफा होकर या जलकर ये नहीं कह रही हूँ इंदर, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, उस नाते कह रही हूँ। तुम घर जाओ, क्योंकि आज मुझसे मेरी आवाज से तुम्हारा नाता टूट गया। ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई थी, मैं तुम्हें खोना चाहता था। लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे खो दिया। क्या तुम मेरी और अपनी खुशी के लिए ये भूल नहीं सकती? नहीं इंद्र, मैंने तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ सकती। नहीं सितारा, मैं तुम्हें किसी की मदद नहीं छोड़ सकता। आपको आज दारू कुछ ज्यादा ही होगी। अरे भैया, पिएंगे नहीं तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं। तुम अभी तक किस लिए जा रहे हो? इतना क्यों पीने लगे हो इंदर? गोपीनाथ जी कह रहे थे कि ऑफिस में भी तुम्हारा दिल उचाट उचाट सा रहता है। ये गोपीनाथ कौन होता है ऑफिस की बात घर में करने वाला? ऑफिस ऑफिस ऑफिस, जब देखो ऑफिस। ये 10-12 लाख रुपया इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना ही जिंदगी है? रुपए पैसे के अलावा ये जिंदगी और कुछ नहीं? बोलती क्यों नहीं जाओ? वो पैसा पैसा पैसा। क्या करोगी सारी दौलत का तुम? हाँ, हिंदुस्तान में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए एक घर नहीं। तुम्हारे पास 4-4, 5-5 बंगले हैं। हिंदुस्तान के हर बैंक में तुम्हारा अकाउंट है। तुम्हारी अलमारियां हजारों साड़ियों से कीमती लिबासों से भरी पड़ी हैं। हीरे जवाहरात तुम्हारे पास है। अब मैं किसके लिए कमाऊं, क्यों कमाऊं? ये सब क्या हम अपने साथ ले जाएंगे? इस इतनी बड़ी जायदाद को संभालने वाला कोई है? है कोई इसका वारिस? बताओ। बच्ची, बच्ची नहीं, बच्ची, मुझे माफ कर दो बच्ची। मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया, मुझे माफ कर दो। तुमने ठीक ही कहा, मैं तुम्हें कोई औलाद नहीं दे सकती। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा, मगर मेरी खराबी की सजा तुम अपने को क्यों देते हो? मुझे छोड़ दो इंदा। नहीं माजी। किसी और से शादी करो। नहीं, घर में तो बच्चा होना चाहिए। ऐसा मत कहो बच्ची, ऐसा मत कहो। मेरा दिल कहता है मैं बाप बनूंगा, जरूर बनूंगा, और ये घर हमारे बच्चे की मुस्कुराहटों से रोशन हो जाएगा। हाँ?
उस दिन कितनी आसानी से तुमने नाता तोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है ये नाता टूटा नहीं। तुम भी मेरे बगैर जी नहीं सकती। नहीं जिया जाएगा, तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हें पाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पाकर नहीं, तुम्हें खोकर बर्बाद हो जाऊंगा। तुमसे ये किसने कह दिया इंदर कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है, प्यार का नाम है जुदाई, यही जुदाई प्यार का इनाम भी है और प्यार की सजा भी। ये सब बकवास है सितारा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम हासिल करके रहूँगा। और दरवाजे बंद मिले तुम? मैं दरवाजे तोड़ दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो सुन लो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। BT Express Z. This is Bombay calling. Miss Indrajit, please come in. Speak, speak. We hear only music from you. Please come in. Express that your flight is not normal. Please listen. You are going into bad weather. Hello. Hello. घर में तीन तीन फोन हैं। जब जरूरत होती है कोई नहीं चलता। ऊपर से गोपीनाथ जी सुबह के एयरपोर्ट गए हुए हैं, कम से कम उन्हें तो खबर देनी चाहिए थी। इंदर नहीं आए साहब का प्लेन। क्या हुआ प्लेन को? वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। माँ हूँ बहू, वो मेरा इकलौता बेटा था, पर मेरी समझ में नहीं आता, मेरा गम ज्यादा है या तुम्हारा? सच पूछो तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। अब तो आपको चलना ही होगा मुझे विधवा की तरह जीना सिखाने के लिए। नहीं बहू, मैं क्या करूं बहू, मैं इस घर की बंदी हूं। मैं कहीं और मरना नहीं चाहती। ये घर घर थोड़ी है, ये मेरी समाधि है। मगर तुम्हें वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? वो घर मेरी समाधि जो है माँ जी, और फिर हजारों बिखेरे हैं। पिताजी और इंद्रजीत ने इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, उसे बिखरने भी तो नहीं दे सकती।
मुझे तो जाना ही पड़ेगा माँ जी। इस दस्तखत के साथ मैं सारा कारोबार आपकी निगरानी में देती हूँ। जी, मैं अपने आप को इस भरोसे के काबिल साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये इंद्र साहब के कुछ पर्सनल कागजात हैं, इन पे भी एक नजर डाल लीजिए। गजब है कपूर साहब, करोड़ों की जायदाद और जिंदगी में कुछ भी नहीं। क्या कहा जाए, ऐसी नेक औरत और ये बदनसीबी। जी, साहब के खास ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। बहुत अच्छा। मैं गायत्री हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। मैं यूं ही ठीक हूँ। तो कहिए। अपनी आवाज बेचने वाली किसी औरत से मुझे कहना ही क्या हो सकता है। मैं कोई ठुमरी कोई गजल नहीं हूँ, गायत्री हूँ, इंद्रजीत की विधवा। तो ये है वो जगह जहां हर रात आकर इंद्रजीत ने अपने घर का अपमान किया, और तुम हो वो सितारा जिसके लिए इंद्रजीत जैसे चाहने वाले पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पता है तुम्हें कि तुमने मेरे साथ क्या किया? बेवकी के लंबे दिनों और दिनों से ज्यादा लंबी रातों में सुहा की यादें ही सहारा होती हैं। वो यादें भी तुमने मुझसे छीन ली। अब जब जब इंद्रजीत याद आएगा, तुम याद आओगी। भगवान के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। क्यों ना करूं? मेरा पति तेरी आवाज सुनने में इतना खोया हुआ था कि वो ये भी भूल गया कि वो खुद अपना हवाई जहाज उड़ा रहा है। उसने कंट्रोल टावर की बातें नहीं सुनी क्योंकि वो तुझे सुन रहा था। मेरे पति की कातिल तेरी आवाज है। हेलो, मैं डॉक्टर मिर्चंदानी बोल रहा हूँ। मुबारक हो सीतारा जी। मगर डॉक्टर साहब, मैं देयर इज नो मगर, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर मिर्चंदानी का फोन था। तुम मां बनने वाली हो, तो तुम अपने कोक के रास्ते से मेरे घर में आना चाह रही थी। आप घबराइए मत गायत्री देवी,
कल तक ना ये बच्चा रहेगा ना मैं। नहीं, ये बच्चा रहेगा और इसे जन्म देने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। तुम चाहोगे भी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि ये बच्चा इंद्रजीत का है। वो इंद्रजीत जो मेरा पति था। माजी, क्या बात है बहू, इतना हाँफ क्यों रही हो तुम? माजी, आप दादी बनने वाली है। क्या क्या बहू, क्या ऐसी हालत में दौड़ना तो नहीं चाहिए था बहू? मैं तो सिर्फ दौड़ी माजी, यह खबर तो उड़ के आने को कह रही थी। ये बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई? डॉक्टर ने आज ही कंफर्म किया, हवाई जहाज में जगह मिली तो मैं भागे चली आई कि सबसे पहले यह खुशखबरी मैं आपको दूं। बहू, कि हम कोई लावारिस नहीं है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। एक काम करो, तुम सूती साड़ियाँ पहनना शुरू कर दो, मैं फिर फोन करूंगी। वैसे बच्चा तो दिवाली के लगभग होगा ना? हाँ, अगर कोई इस बच्चे के रास्ते में कोई अगर मगर नहीं आ सकता। हेलो गायत्री, आओ और सुलक्षणा बैठो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं डॉक्टर। सोच रही हूँ डिलीवरी के लिए लंदन चली जाऊँ। हाँ और क्या, चांस क्यों लो? मगर मेरे ख्याल से तुम अपनी सास को साथ में जरूर ले जाओ। अरे नहीं नहीं, माँ जी को कहाँ घसीटती फिरूंगी अपने साथ, पर किसी न किसी को साथ ले ही जाऊंगी। मगर किसी भरोसे वाली को ले जाना। तुम फिक्र न करो सुलक्षणा, मैं किसी भरोसे वाली को ही साथ ले जाऊंगी। ऐसी बात नहीं सितारा कि मैं सिर्फ तुम्हें दोष दे रही हूं। तुम्हारे और इंद्रजीत के बीच जो कुछ हुआ उसमें इंद्र की भी गलती थी। खैर, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मायल नहीं। ये आपकी महानता है गायत्री जी, लेकिन एक चिंता मुझे खाए जा रही है। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं दुनिया को उसके बाप का नाम क्या बताऊंगी? यह सब मुझ पर छोड़ दो, बच्चे की पैदाइश के बाद देखेंगे, उसके लिए अभी बहुत वक्त है। और फिर तुम्हारे ये दिन चिंता करने के नहीं है। इस तरह क्या देख रही हो? आप देवी हैं गायत्री जी। नहीं नहीं सितारा, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूं, सिर्फ एक औरत। बच्चा कैसा है? बिल्कुल ठीक है बीबी जी,
और माँ? अभी तक होश नहीं आया, मगर घबराने की कोई बात नहीं। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे और तुम्हारा इनाम भी है, तुम जा सकती हो। क्या आगे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बीबी जी? दो नर्सेस आ रही है, आगे देखभाल वही करेंगे। अच्छा नमस्ते। हाँ। तुम मेरे हो। मेरा बेटा, बेटा ही हुआ होगा ना? कहाँ है वो? उसे यहाँ ले आइए ना, मैं भी तो उसे देख लूँ। आप अब बोलते क्यों नहीं? कहाँ है वो? क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सितारा, ये तुम्हारा टिकट है 4 तारीख की फ्लाइट का। लेकिन आज तो सिर्फ, अभी तुम कमजोर हो ना, इसलिए 2 दिन बाद की टिकट ली है। मुझे बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए मैं आज शाम की फ्लाइट से जा रही हूँ। लेकिन इस तरह, मेरा मतलब है, हम तो साथ जाने वाले थे ना? देखो सितारा, मेरे तुम्हारे बीच एक कड़ी थी, इंद्रजीत का बच्चा। हो सकता था वो बच्चा आगे भी हमारा साथ बनाए रखता, लेकिन अब वो कड़ी गुम हो गई है सितारा, और अब कोई वजह नहीं रही कि हम एक दूसरे से मिलें। बेहतर यही है कि हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मैं भूल जाऊंगी, तुम भी भूल जाओ कि गायत्री नाम की कोई औरत इस दुनिया में रहती है। यूं भी तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग। अब ठीक कह रहे हैं गायत्री देवी, वाकई आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है और मेरी दुनिया अलग है। आप विश्वास रखिए, मैं कभी आपकी दुनिया में कदम नहीं रखूंगी। क्यों गए सरकार? गाइए गाइए। हाय हाय हाय, अम्मा कसम अल्लाह की मैंने तो आज तक किसी रईस के बेटे को इतनी अच्छी कवाली गाते देखे नहीं। गाइए ना सरकार, गाइए। मर गए, अब क्या होगा बीमा? ये सब क्या हो रहा है? सलाम अलैकुम। गुलाम को असीफ पैगंबर खान कव्वाल कहते हैं सरकार। भंवर सिंह जी, मैं घड़ी भर को घर से बाहर निकलूं, तुम लोग फुटपाथ घर पर उठा लाते हो,
इन सबको निकाल बाहर करो। जी मालकन, चले जाओ यहाँ से। बड़े बेवकूफ, इधर कभी आने का नहीं। तुम इतने बड़े घर, इसके रीति रिवाज, दस्तूरों के वारिस हो, तुम्हें ऐसे बाजारी लोगों के साथ मिलना जुलना शोभा देता है? सॉरी मॉम, मैं नहीं चाहती बाजारी सुरों की जंजीर मेरे बेटे को मुझसे दूर खींच ले जाए। मम्मी, मेरे दो ही तो शौक है, एक गाना और एक नहाना। अब तो माँ जी भी नहीं रही, सनी तो बिल्कुल सितारा का साया निकला। अब मैं इसे कैसे बदलूं? स्पीक हियर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ बेटे, आओ। ये है तुम्हारे डैडी का ऑफिस और ये उनकी कुर्सी, संभालो इसे, बैठो। बेटे, आज से तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो और मेरी तमाम शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। मैं आज की डाक लेके आता हूँ। डाक? होंगे बेटे कोई 100-200 खत। 100-200 और मैं? डोंट वरी बेटे, मैं हूं ना। ओके। यस सर। नो, आई एम सॉरी। कोहली साहब कमाल है, वही शक्ल वही आवाज, बिल्कुल अपने बाप पे गया। अंकल, ये टेप रिकॉर्डर किसका है? तुम्हारे डैडी का है बेटे। डैडी को म्यूजिक का इतना शौक था, मम्मी के डर से ऑफिस में सुना करते होंगे। व्हाई नॉट, गुड आइडिया। मैं भी ऑफिस में सुना करूंगा। ठीक है बेटे, पहले डाक देख लो। अंकल, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं म्यूजिक सुनता रहूं और आप ये डाक देखते रहें। ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू अंकल। बिल्कुल अपने बाप पे गए, वही संगीत का शौक। कमाल। वेलकम होम फ्रॉम ऑफिस सर। हाय मम्मी। आओ बेटा आओ, ला बैग। नहीं नहीं मम्मी। अरे ला ना। नहीं मम्मी। अच्छा ये बता, आज पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा? ओ मम्मी पूछो मत, गोपीनाथ जी ने तो दिवाला पिटवा दिया सिग्नेचर करवा करवा के। अच्छा अच्छा, तू चल के नहा ले, मैं दूध लाती हूँ। नहीं मम्मी, दूध आज चाय हो जाए। After all, I am the managing director. जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ किया। लोग मिलते जुदा होते और क्या है वफा होते हैं, और क्या है वफा होते हैं। जाने क्या बात है, जाने क्या बैठ गया। मां पढ़ने लेट गया।
तेरे कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। म्यूजिक? क्या बात करती है मम्मी, मेरी क्या शामत आई है? मुझे क्या पता नहीं कि आपको म्यूजिक से सख्त नफरत है, पर आप म्यूजिक से नफरत करती क्यों मम्मी? हर आदमी को किसी न किसी चीज से नफरत करने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए ना। व्हाई म्यूजिक मॉम, व्हाई म्यूजिक? माहौल सनी, वातावरण, जिस माहौल में हम पले बड़े वो गाने वालों को या गाने वालियों को अच्छी निगाहों से नहीं देखता था। नो मम्मी, गाना सुनने वालों को भी इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता था। ओह गॉड, संगीत की इज्जत नहीं थी, मगर आज तो गाना बड़ी इज्जत की बात है। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, कल की बात कर रही हूँ, कल जो गुजर चुका है। ले चाय पी। बाबा, सनी बाबा, आज फिर मुझ पर रहम कीजिए साहब, अगर मैडम को ये पता चल गया कि आप प्लेन उड़ाने लगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्हें बताएगा कौन, मैं या आप? मैं तो बताने से रहा, और आपको तो अपनी नौकरी प्यारी है। जरूर प्यारी है जनाब। बस फिर आपकी नौकरी जाएगी कैसे? अरे सनी बाबा सुनिए तो, ओहो आप नहीं मानेंगे, लेकिन ख्याल रखिए 15 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ाइएगा। अरे अंकल 15 मिनट क्या, मैं बस 10 मिनट में गया और आया। लगता है मेरी नौकरी भी आई और गई। एक्सक्यूज मी। यस। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन आंटी आज तो मैंने कमाल कर दिया, सारे लोग, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक रिकॉर्डर्स, फोटोग्राफर, यहाँ तक कि स्टेशन डायरेक्टर भी मेरे गाने पे बिल्कुल फ्लैट हो गए। अरे वाह, अल्लाह सितारा, अब अमृता को इतना प्यार भी न करो कि हम असली माए शर्माने लगे। आओ अब बैठो शकीला। आदाब आंटी। जीती रहो बेटी, अल्लाह की कसम तुमने अमृता को पालने में अपने आप को भुला दिया। आज ये इतना अच्छा प्रोग्राम देकर आई है कि क्या बताऊं, अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। लो अब इस चेक से अपने आंसू पोंछ डालो। फिर 7,500 रुपए? क्या बताऊं सितारा, तुम्हारे वो 1,25,000 रुपए कितने चमत्कारी निकले जो तुमने खान साहब की फैक्ट्री में लगाए थे। आज एक की जगह 4-4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, और जाहिर है तुम्हारे शेयर्स भी बढ़े और मेरी जिंदगी भी कट गई। भगवान भाई साहब को लंबी उम्र दे। भाई अब अपनी दौलत कुछ कम करो और अमृता की शादी कर डालो। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए तो अपनी ये दौलत खर्च कर डालो। वाह आंटी, तो आप मुझे चलता करना चाहती हैं? अरे तेरी दहेज में एक मैं भी तो साथ चलूंगी। भाई वाह, सुभान अल्लाह। हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू अमृता प्लीज? बात कीजिए। हेलो। हेलो, यस अमृता स्पीकिंग। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बात यह है कि मैं आपसे... ओह शट अप। अरे इस तरह किसको शट अप कह दिया? था कोई पागल सा, गाने की तारीफ करना चाहता होगा। तो क्यों नहीं, तुम इतना अच्छा गाती हो लोग तो तारीफ ही करेंगे। तारीफ सुनना सीखो अमृता। अरे आंटी आप इन रईस लफंगों को नहीं जानती, ये लोग तारीफ के पुल बनाकर करीब आने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी तो कल सवेरे ही मिलेंगी जी। एक्सक्यूज मी। हाँ? मैं अमृता से मिलना चाहता हूँ। अमृता तो गई। चली गई? जी हाँ अभी भी गई। टैक्सी। लिफ्ट? नो थैंक्स। नहीं, आप उनको फोकट का थैंक्स नहीं मांगता है, पहले लिफ्ट लो फिर थैंक्स देना। कह दिया ना तुमसे मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। अरे ले लो जाने, ये जीप नहीं राकेट है, राकेट। अपने नाजुक नाजुक पैरों पर जुल्म मत करो,
अकेले मत जाइयो, जमाना खराब है। ये देखो साले बाटले भी खाली हो गई है और अभी अक्की रात बाकी है। अपन को तुम्हारी नशे की जरूरत है जानी। ओ, तो चिकन बिरयानी भी आ गया है बाबा, इस चिकने को भी ले ले। अरे देवी जी आओ भी आज भाग गई है। साला मैं बात कर रहा था बीच में ना। देवी जी हम भाग गई है, मैं बंदरों को ठीक कर पाए। पे एक ही हूँ और तेरे लिए काफी हूँ साले। चलिए सरदारजी, सरदारजी आगे चलिए। बीबी जरा फाइट तो देखो। सरदार जी ये कोई फाइट वाइट नहीं है, चलिए गाड़ी चलाइए। बीबी जी की गल करते हो तुसी, ये कोई फाइट वाइट नहीं है। वो कहा बंदे को पे आज जबड़ा हमारा हिल गया, आप कहते हो फाइट वाइट नहीं। बहस मत करो, गाड़ी चलाओ जल्दी। देख लूंगा बेटा। नहीं ये गलती दोबारा मत करना। और रही मेरे देखने की बात, तब तक मेरे सामने मत आना जब तक मेरी आंखें ना कमजोर हो जाए, समझे? आप सीधी कर भाई। देवी जी आप अभी तक गई नहीं। ओ सरदार जी बहुत खेल देख लिया, हूं तुसी जरा चलो। हुकम बादशाह। वाह वाह बहुत अच्छे, आपका नाटक तो बहुत ही रियलिस्टिक था। नाटक? जी हाँ नाटक। ये बताइए आपने इस झूठ मूठ की लड़ाई पे कितने पैसे खर्च किए? पैसे? पैसे तो मुझे अब खर्चने पड़ेंगे अपनी टूट फूट की मरम्मत के लिए। चलो सरदार जी चलो। भाई वाह, हम जान से गए आपकी अदा ठहरी। जी हाँ मैं। देखो यहाँ कोई नाटक नहीं चलेगा, तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ वरना। वरना क्या? वरना मैं हवलदार को बुलाऊंगी। ये तकलीफ आप क्यों कर रही हैं? मैं ही हवलदार को बुला लेता हूँ। हवलदार जी, ओ हवलदार जी। क्या बात है? हवलदार साहब ये लड़की मुझे छेड़ रही है। छेड़ रही है? ये बुरी बात है बिटिया, बुरी बात है ये। हैव यू गॉन मैड? तुम समझते हो मैं इसे छेड़ूंगी? राइट, ये भी ठीक है, भला एक लड़की एक लड़की को क्यों छेड़ेगी? हवलदार साहब पहले आप इससे ये पूछिए यहाँ क्यों आया, इसका यहाँ क्या काम है? राइट राइट, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? कोई काम नहीं। फिर यहाँ क्यों आए हो? जी मैं इनसे मिलने आया हूँ। मिलने?
ये आपसे मिलने आया है? हे, मुझसे मिलने नहीं, मुझे तंग करने आया है। तो तुम उसे तंग करने आए हो? अरे हवलदार जी, मैं इन्हें कहाँ तंग करता हूँ, ये खुद मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, देखो बिटिया, तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? मैं इसे क्यों परेशान करूं? मैं कोई पागल हूं? भाई साहब, ये क्या म्यार है, पागल है? हो सकता है। हो सकता है, वरना ये मेरी सच्चाई पर विश्वास करती। अब परसों की बात है, कुछ गुंडे ने तंग कर रहे थे, मैं अपनी जान पर खेल गया और उनकी जान बचाई। मालूम है ये क्या बोली? क्या बोली? ये बोली कि मैं नाटक कर रहा हूँ, गुंडों को पैसे देके मैंने झूठ मूठ की मार खाई है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अफसोस तो उससे होना चाहिए जिसने मार खाई, जिसके दो दांत हिल गए, जिसकी तीन पसलियां अपनी जगह से खिसक गई। अब मेरा घाव देखिएगा, देखिएगा, देखिएगा। नहीं नहीं, मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ, मैं घाव देख नहीं सकता। नहीं नहीं हवलदार साहब, जरूर देखिएगा, ये घाव भी निकली है। सुन लिया आपने, भगवान आपके घर पुलिस कमिश्नर पैदा करे। मैं सिर्फ एक सीधा साधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा? क्या सवाल करना जुर्म है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सवाल तो क्या, दो सवाल कर सकते हो। ये लड़कियाँ थोड़ी सी और अपने आप को खूबसूरत समझना पैदाइशी हक समझती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। भगवान आपको DIG बनाए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पर मैं इनका आशिक भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, तुम्हारा सवाल इतना बड़ा होता जा रहा है। हवलदार साहब, मैं आपका इतना बड़ा सवाल अभी छोटा किए देती हूँ। पूछो, क्या सवाल है? वेरी गुड, वेरी गुड, पूछो सवाल। अरे क्या पूछूं, घुर घुर के सारा मूड चौपट कर दिया, नहीं पूछता। मेम साहब, आप पहली लड़की हैं जिसकी आवाज तो मीठी है मगर जुबान कड़वी है। मैं शराफत से जो सवाल आपसे पूछना चाहता था, अब वही सवाल आपको परेशान करता है। और आप तड़प कर बेचैन होकर मेरे पास आएंगे, मगर मैं फिर भी आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा। माना कि गरज मेरी है, मगर वो अपने आप को समझती क्या है, जब देखो अकड़ती रहती है, अकड़ती रहती है। लेकिन आखिर वो कौन सा सवाल पूछना चाहता है मुझसे, क्या पूछना चाहता है? होगा कुछ, मुझे क्या। लेकिन वो मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है? ये जरा नीचे छोड़ दो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शार्प 6:20। वेरी गुड, नेवर लेट। सुनिए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। देखिए देवी जी, देखिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ पर प्लीज प्लीज कोई सीन ना क्रिएट कीजिएगा। देखिए यकीन कीजिएगा, मैं आपका पीछा करता हुआ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तो हर रोज रोज स्क्वाश खेलने आता। स्क्वाश? मगर अगर मगर कुछ नहीं, अगर मैं आपको आते देख लेता तो मैं सामने वाली दीवार से टकरा जाता, मगर आपके सामने नहीं आता। मेरी तौबा, कहिए तो मैं उठक बैठक भी कर लूं, मुझे क्या अपनी शामत बुलवानी है कि मैं आपका पीछा करूंगा? आज तो मैं आपका पीछा कर रही थी। आप क्या कर रही थी? वही जो अब तक आप किया करते थे, पीछा। मेरा पीछा? देखिए, मुझसे कोई गलती हो गई हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मैं मांगना चाहती हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। कहीं बैठ लें हम लोग थोड़ी देर के लिए, कॉफी पी लें।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज प्लीज बी माय गेस्ट। लगता है आज ये मेरे सर पर गरम गरम कॉफी का पॉट फेंकेगी। कोई बात नहीं, मैं भी कोल्ड कॉफी मंगवाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दो हॉट कॉफी प्लीज। नहीं नहीं, कोल्ड 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 मेरे लिए हॉट प्लीज। नहीं नहीं, देखिए प्लीज, ये रेस्टोरेंट है ना, यहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत मशहूर है। यस सर। ठंडी, बिल्कुल ठंडी। मेरे लिए हॉट ही चलेगा। यस मैडम। नहीं नहीं, मगर अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या पूछने के लिए मेरा पीछा करते थे। देखिए बात यह है कि डैडी के बाद जब मैंने ऑफिस संभाला ना, तो वहाँ मुझे एक टेप रिकॉर्डर मिला, डैडी का टेप रिकॉर्डर, और उसमें दो गाने थे, और उसमें से एक गाना आप टीवी पर गा रही थी, और जब मैं टीवी सेंटर पहुँचा तो दिस इज हिस्ट्री। आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो गाना आपके हाथ लगा कैसे। बस इतनी सी बात। वो गाना मैंने अपनी आंटी से सुना था। वो भी गाती हैं? एक जमाने में गाया करती थी। मुमकिन है कि कभी आंटी ने ही गाना गाया होगा और आपके डैडी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। एक्चुअली मुझे भी इस गाने के बारे में पता नहीं था। वो तो हुआ ये कि एक दिन आंटी अपने कमरे में लेटी आंखें बंद किए हुए यही गाना गुनगुना रही थी। मैं इत्तफाक से वहां पहुंच गई और उनके सर हो गए कि मुझे भी ये गाना सिखाइए। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत टाला, पर भला मैं टलने वाली थी। नेवर। फिर उन्होंने मुझे वो गाना सिखाया। भाई तब तो आपकी आंटी के दर्शन करने पड़ेंगे। क्यों? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि लगता है मेरे डैडी उनके बहुत जबरदस्त फैन थे, लगभग वैसे ही जैसे मैं आपका फैन हो गया हूं। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिल को यकीन था कि आप जरूर आएंगी। आप बुलाए और हम ना आए, कहिए अब क्या सवाल है? अब मेरी जिंदगी का सवाल है। जी यू सी, आई लव यू, I love you, Amrita. I love you. मुझे डर लग रहा है। किससे? इस प्यार से। मैं तो नहीं डरती। किससे? इसी प्यार से। क्या तुम वेरी स्पेशल के सारे हैं? वेरी स्पेशल। महाराज बूंदिया तुम्हें देखने और अपनी बेटी को तुम्हें दिखाने आ रहे हैं। क्या? देखो भाई, मैं जबान दे चुकी हूँ, कोटा वालों से भी इनका घराना बहुत बड़ा है। अरे लो, वो तो आ भी गए, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ। सनी, उन्हें रिसीव करो। मम्मी, मम्मी, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। आप लोग तो ठीक रखिए। आइए बैठिए, बैठिए। अरे अरे, आप क्यों बैठ रहे हैं? खड़े रहिए आप। मम्मी कह रही थी कि आप महाराज हैं, तो आप तोड़ की दाल और लहसुन की चटनी तो बड़ी लाजवाब बनाते होंगे। व्हाट? हो सॉरी महाराज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए, मैं भी खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। एक ड्रामे में मैं भी महाराज बना। आपकी मूंछ असली है? यार उसमें तो मैंने नकली लगाई थी, उसका डायलॉग अभी तक मुझे याद है। बोल के दिखाऊं? सुनाओ सुनाओ। ओह सॉरी सॉरी। बहादुर सिंह, तुमने जो बोई थी जो ही काटोगे। हम वो हैं जिनकी तलवार का लोहा पानीपत की जमीन ने पाना। हम वो है जिसकी
मैं यहां तक पहुंचा था कि मेरी मुंह गिर गई। By the way, are you sure कि आपकी मुंह असली है? Of course. मुझे तो नहीं लगती। चार साल पहले जब मुझे पागलपन का दौरा पड़ा था ना, आए? तुम्हें पागलपन का दौरा भी पड़ा था? तब मुझे भी अपने डॉक्टर की मुझे नकली लगने लगी थी। मालूम है मैंने क्या किया था? मैंने उसकी मुझे उखाड़ ली थी। उन दिनों बनसुंदरी नाम की एक्ट्रेस से मेरा चक्कर चल रहा था। मुझे क्या पता था कि उसे एलडी है। एलडी? लव डिजीज, प्रेम रोग। मुझे भी हो गया, बहुत दवाइयां खाई। ओह माय गॉड, गर्मी सीधी मेरे दिमाग को चल गई। अब बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है, मैं तो इसी से शादी करूंगा महाराज जी, मैं तो इसी से शादी करूंगा। दुर्गावती, चलो चलो। महाराज जी, महाराज जी, शराब तुअर की दाल और लहसुन की चटनी खाते रहो, चलो। क्या बदतमीजी थी सनी? मम्मी, मम्मी, साफ बात ये है कि मुझे आपके वो महाराज की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। वो बिल्कुल इडियट लगती है। प्लीज मम्मी, गुस्सा। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेन। आइए आइए, तशरीफ लाइए महतरमा। मेरा मतलब अपने इन मुबारक कदमों से मेरे इस छोटे से नाचीज जहाज को इज्जत बख्शिए। चलिए चलिए। अरे लेकिन आज तुम मिर्जा गालिब क्यों बन रहे हो? इसलिए कि मेरी पहली क्वालिफाइड उड़ान की आप पहली पैसेंजर हैं। क्या मतलब? ये क्वालिफाइड उड़ान क्या होती है? मतलब ये कि आज ही मुझे जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला है। क्या कहा, आज ही लाइसेंस मिला है? जी हाँ, बिल्कुल आज। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि मैं अपनी पहली उड़ान का मुहूर्त तुमसे करूँ। सनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 3-4 साल और प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद मुझे उड़ाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि 4 साल बाद तो मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर उड़ाया करूंगा ना, फिर तुम्हें कहाँ फुर्सत होगी। नहीं बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हे भगवान, आज ही इन्हें लाइसेंस मिला है और ये चाहते हैं आज ही मैं उड़ूं। मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। क्या सोहनी बेवकूफ थी जो महिवाल से मिलने नदी तैर कर जाया करती थी? क्या लैला बेवकूफ थी जो मजनू के बुलावे पर रेगिस्तानों की रेतें फांकती हुई आ जाती थी? और क्या मैं बेवकूफ? वेट वेट वेट, वो सब बेवकूफ थी, बिल्कुल बेवकूफ थी। नाउ लिसन, मैं भी बेवकूफ हूँ। कम ऑन, लेट्स टेक ऑफ। ए होई ना गल, ए तू अंदर ता चल।
सब क्या है अमृता? आंटी आंटी प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो हुआ ये कि मैं स्विमिंग के लिए बीच पे गई थी और वहाँ पे मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदला हुआ है। आंटी वो मैं उसी वो की बात कर रही हूँ जिसका नाम तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है मगर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। आंटी नहीं आंटी। अच्छा तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें अपनी आंटी से बातें छुपाना भी आ गया है। चलो अब कानों में बता दो। He is absolutely wonderful. बहुत अच्छा है। अमृता अरे इन्हें कहाँ पकड़ लिया है? 1 मिनट पकड़ के लाया, हम खुद हमारा पैर से चल के आया। ये डॉक्टर कपूर की बदली में आए हैं, डॉक्टर कपूर छुट्टी पर गए हैं बीबी जी। अच्छा ठीक है जल्दी देखिए बहुत तेज बुखार है। डोंट वरी। नो बुखार नहीं है मैम साहब, आपको किसी ने गलत कहा है, हमको बिल्कुल बुखार नहीं है। अरे फिर मैं इसकी बात कर रही हूँ। हाँ इसकी। नो इसको भी बुखार नहीं है। डॉक्टर पेंडा। यस डॉक्टर सोडा। तुमको लास्ट बुखार कब आया था? 1942 में। 1942 में। भगवान मैं अपने जवान बेटे की बात करी जो आपके सामने लेटा हुआ है, इसको तेज बुखार है। अच्छा अच्छा है अच्छे, तो पहले से क्यों नहीं बताया? वगर फोकट तो टाइम बर्बाद की रोटे। चलो पल्स की शुरुआत करिए। यस पल्स पल्स और बंद। इट्स अ सिंपल केस ऑफ कोल्ड एंड फीवर। नॉनसेंस, इट्स एन एडवांस केस ऑफ प्रेगनेंसी। सॉरी कोई बात नहीं करता। रवि का आटा खोटो टाइम पर बात करो। नो सिंपल केस ऑफ कोल्ड एंड फीवर। नो अरे दिखता नहीं लेकिन 60 महीने का पेट है। हाय सनी। हाय। अरे भाई अमृता बर्थडे गर्ल हो, एक अच्छा सा गाना हो जाए। अच्छा अच्छा गाना तो हो जाने दीजिए, फिर आप लोग तालियां बजाइए। चलो सनी शुरू हो जाओ। कौन मैं? और नहीं तो क्या, दो ही तो चीजें आती है तुम्हें, एक गाना दूसरा नहाना। या तो तुम गाओ या फिर नहाओ। मगर मुझे गाना वाना। मगर कुछ नहीं, यही एक मौका है आंटी को मस्का लगाने का। अच्छा गाओ और सही गाओ तो समझो आंटी उतर गई शीशे में। अगर ये बात है तो ऐसा गाना गाता हूँ कि आंटी की छुट्टी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अमृता ये आंटी। आंटी आंटी जरा पानी लाना प्लीज। आंटी आंटी पानी। आंटी आंटी सनी ने अंदर ले चलो ना। कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सनी इंद्रजीत। सनी आ गई। बेटे से मिलने आई हूँ। किसका बेटा? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? वो तो मुर्दा पैदा हुआ था। ऐसी अशुभ बात न कीजिए, भगवान उसे लंबी उम्र दे। पागल हो गई हो तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। अगर आपने बेटे की जान की कसम खाकर कही है तो कि मेरा बेटा भगवान ना करे मुर्दा पैदा हुआ था।
जवान निकला है, कितना सुंदर, बिल्कुल जैसे मैं सच कहती हूँ गायत्री जी, आपने उसे पाला है बड़े प्यार से। और शायद आज तुम इसीलिए अपनी ममता के बहकाव में आकर मेरी ममता के किए दे पे पानी फेरने चली आई। मैं तुमसे झूठ बोली, मगर उस झूठ में कुछ गर्ज मेरी भी थी, कुछ फायदा तुम्हारा भी था। तुम बिन बियाही माँ होने की बदनामी से बच गई और मुझे इंद्रजीत का वारिस मिल गया। मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती सितारा कि तुमने मेरा पति चुरा लिया था, मैंने तुम्हारा बेटा चुरा लिया, हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि असलियत ये नहीं है। फिर भी सनी मेरा बेटा है। बेवकूफी की बातें मत करो सितारा, क्या कहोगी उसे कि तुम अपने पिता की रखेल के बेटे हो, ना जायज औलाद हो। अपनी दुनिया में वापस चली जाओ सितारा, और ये सोच सोच कर खुश होना सीखो कि तुम्हारा बेटा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। सनी मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं इसे लेके जाऊंगी। ले कैसे जाओगी, ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम उसकी माँ हो, और ये बात सारी दुनिया जानती है कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी यही जिद है तो रुको, मैं उसे बुलाती हूँ और मैं ही उसे उसकी पैदाश की सारी कहानी भी सुनाती हूँ। क्यों नहीं, जरूर बुलाइए, उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है। वो सब कुछ जानने के बाद भी मेरे आशीर्वाद के लिए मेरे पांव जरूर छुएगा। ठीक है, तो बुलाती हूँ उसे, ये तुम खुद भी देख ही लो, वो अपने माँ के पांव छुएगा या अपने पिता की रखेल के मुंह पे थूकेगा। उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है गायत्री जी, उसकी रगों में इस महल का खून नहीं दौड़ रहा है। सनी एक रईस खानदान का लड़का है, उसकी माँ ने उसके बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा रखे होंगे। हम मिडिल क्लास के लोगों का उनसे कोई तालमेल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा सानी से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं आंटी, आप सानी को बिल्कुल गलत समझी हैं, वो मेरा मतलब है उसमें रईस जादू जैसी कोई बात नहीं है। अभी तो आप उसे ठीक तरह से मिली भी नहीं, जब मिलेंगी तो मेरी बात का यकीन हो जाएगा। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है, पॉकेट मनी खत्म हो गई क्या? नहीं, बात ये है कि पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझसे खफा ना होंगी। खफा क्यों होंगी, वादा कीजिए ना। अच्छा बाबा, वादा करती हूँ मैं खफा नहीं होंगी। भाई बात ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करने लग गया। अच्छा, इसीलिए उस दिन दीवान साहब के सामने इतनी बदतमीजी की गई थी? अरे मम्मी, आप एक बार उसे देख तो लीजिए, ऐसी परफेक्ट लड़की तो भगवान कभी कभार बनाता है। शक्ल सूरत A1, सिंपल ऐसे कि आपको भी सादगी के दो चार गुण सिखा दे ना। अमृता, ये कौन लोग हैं, उसके पिता का क्या नाम है, क्या करते हैं? अमृता के माता पिता तो दोनों गुजर चुके हैं, अब वो अपनी आंटी के साथ रहती है। पर मम्मी, आप अमृता को देख के मरना मिटी तो शर्त। अरे भाई पहले दिखाओ तो सही। श्योर मम्मी, श्योर। हेलो। हेलो गायत्री, अरे जल्दी से टीवी ऑन कर, देख तो सही हमारा सनी क्या गा रहा है। सनी गा रहा है? हाँ बड़ा मजा आ रहा है, फिर बात करूंगी। सनी गाड़ी रोको प्लीज। क्या बात है? मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलते हुए डर लगता है सनी। क्या बात करती हो, आंखें खूबसूरत, रंग जैसे चांदनी, होंठ जैसे गुलाब की पत्तियां, मिठास भी है,
वाह नमक भी। मेरी मम्मी क्या पागल है जो तुम्हें पसंद ना करे। चले मम्मी, ये है वो अमृता। सनी तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ, मैं सिर्फ अमृता से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छा नाचती गाती हो, लेकिन नाचने गाने वालियां बाजार में बहुत मिलती हैं। हमें एक बहू चाहिए। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि तुमने इस घर की बहू बनने का सपना देखा कैसे। वैसे तुम्हारी जैसी हर लड़की यही चाहती है, अपनी आवाज और बदन की लोच का फंदा फेंककर किसी अमीर लड़के को फंसा ले। But surely not Sunny. जाके कोई दूसरा लड़का ढूंढो, दहेज मैं दे दूंगी। भंवर सिंह, सनी को मेरे कमरे में भेज दो। जी। कहिए मम्मी, कैसी रही मेरी पसंद? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने अमृता से बात करनी थी तो मैं आउट, और जब आपने मुझसे बात करनी है तो अमृता, मेरा मतलब है कहाँ छुपा दिया आपने अपनी बहू को? वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों मम्मी? क्योंकि मैं कह रही हूँ। I'm sorry, मम्मी। दरअसल मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो रहा है और आप ये मैगजीन हमें। एक नाचने गाने वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती सनी। इस घर की इज्जत मुझसे और तुमसे दोनों से बड़ी है। वो भी एक इज्जतदार घराने की शरीफ लड़की है। And above all, I love her, mommy. कुछ भी हो, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अमृता, अमृता, क्या हुआ अमृता? रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। सनी, आज मुझे अपनी मम्मी से मिलाने ले गया था आंटी। फिर क्या हुआ? She just became hysterical. कहने लगी कि मैं, यानी मैं एक नाचने गाने वाले की बेटी हूँ और मैंने उनके बेटे को हुक किया है आंटी। लेकिन आप जानती है ना, ये सच नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं। नमस्ते आंटी। अरे ठीक तो हो ना? बैठो। हाँ जी, तुम ठीक हो? चोट लगी है क्या? शारदा, शारदा जरा आइरिस लाना जल्दी, बहुत दर्द हो रही है। नहीं ठीक है। अमृता कहाँ है? वो तो टीवी से उतर गई है। मैं दरअसल कल की बातों के लिए अमृता से माफी मांगने आया था। आंटी इसी, एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे अपनी मम्मी से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था ना। और दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि मैं आपको अमृता के साथ नहीं ले गया। तो बड़े जब आपस में बातें करते हैं ना, यू नो, बात ही कुछ और हो जाती है। बात ये है आंटी कि मेरी मम्मी वैसे तो शी इज ग्रेट, पर थैंक यू, she's the best mother in the world, पर उनमें एक वीक पॉइंट है, she hates music. गाना सुनना तो दूर, गाने की वो बात तक नहीं सुन सकती।
उस दिन उन्होंने मुझे और अमृता को टीवी पर देख लिया, बस फ्यूज हो गया। ऐसे तो अल्पटाऊ मम्मी, बस एक बार अमृता और मेरी शादी हो जाए तो। मेरे ख्याल में अगर मैं जल्दी करूं तो मैं अमृता को टीवी सेंटर पर पकड़ सकता हूं। नमस्ते आंटी। प्लीज अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी होने की क्या जरूरत है? मैं अपनी मम्मी के बिहेवियर के लिए सॉरी हूँ। देखो सनी, मैं यहाँ खड़े खड़े रोना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। अमृता तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मेरी मम्मी पुरानी दुनिया की है जहाँ के लोग नाच गाने को बुरा समझते थे, तो जब उन्होंने हम दोनों को टीवी पर नाचते गाते देखा तो वो बिल्कुल उखड़ गई। असल में हमसे एक गलती और हो गई, हमें अपने साथ सितारा आंटी को भी ले जाना चाहिए था। उन्हें इस कीचड़ में मत घसीटो सनी। अगर वो हमारे साथ गई होती तो तुम्हारी मम्मी भी उनसे वही बातें करती, वो आंटी को मेरी नायिका बना देती। तुम्हारी मम्मी को ये मालूम होना चाहिए था कि मैं टीवी पे गाती हूँ, किसी कोठे पे नहीं। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए थे। कहा तुमने उनसे ये? तुम उनके इकलौते बेटे हो, वो जहाँ चाहे तुम्हारी शादी कर दे। और उनसे कह देना कि उनके बेटे को छोड़ने के लिए मुझे उनके पैसों की जरूरत नहीं है। मगर मेरी बात तो सुनो। बात तो मुझे आंटी की सुननी चाहिए थी, जिन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम जैसे लोगों से। लेकिन अब कहने सुनने को रही क्या गया है? तुम्हारी मम्मी तो मुझे वैश्या कह चुकी है, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अपनी इज्जत अपनी मोहब्बत से ज्यादा प्यारी है सनी, चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? अपनी माँ के पास जाओ, अपने घर जाकर दीवारों पे सर टकराओ, चीखो चिल्लाओ तड़पो जो भी आए मन में करो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट। बाप भी मुझे साला ही कहता है। यही तो साली लाइफ की ट्रेजेडी है। भगवान भला करे उस सरदार फैनी सिंह का। सरदार फैनी सिंह? हाँ, सरदार इसलिए कि वो सरदार है, फैनी सिंह इसलिए कि वो फैनी बेचता है। फैनी? फैनी क्या चीज है? फैनी फैनी वो है साहब, दो घूस हड़क से नीचे उतरी कि सारे गम फोर से अरे सर, मुझे तुम भी परेशान दिखाई देते। परेशान? मेरा तो दिमाग घूम गया। वेरी गुड, तो फिर घुस जाओ फैनी सिंह के ढाबे पर और पी जाओ फैनी गटा गट गटा गट। दिमाग सही नहीं हुआ ना, मेरे घर पर आकर बता दे। पीना जरूर, फैनी जैसी कोई शराब नहीं। एक फैनी तो सिद्धार्थ साहब। फैनी काका, मेरी गाल सुन। सरदार जी, मैं कोई गालवाल सुन वास्ते नहीं आया, मैंने फैनी तुम अपना दिमाग ठीक करने वास्ते आया। पर काका, ये चीज तो चंगे पले दिमाग नु पुठा कर दंदी। तू एक काम कर, तू सूत्र फैनी खा, लस्सी पी, मछली खा, चिंगा खा, सेहत बना। फैनी रोजी सरदार जी।
एक नाचने गाने वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती सन्नी। इस घर की इज्जत मुझसे और तुमसे दोनों से बड़ी है। अरे महाराज, ये कुर्सियां रखी हुई हैं, आराम से बैठो, जड़ी मछली को हाजिर करवा देना। तुम्हारी मम्मी तो मुझे वेश्या कह चुकी है, अब तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी माँ के पास जाओ, अपने घर जाकर दीवारों पे सर टकराओ, चीखो चिल्लाओ, तड़पो, जो भी आए मन में करो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट। बोलो, क्या मांगते हैं? अब उनको तुम मांगते हैं संभाल के बात कर। असली मछली तो ये है बाप, गर्मा गर्म 3 फुट से आंच आ रही है। डोंट टच मी, हमारे अंक को हाथ नहीं लगाना। टंक मारती है, कांटे वाली है। कांटे वाली तो बहुत टेस्टी होती है। ऐसा क्या? हाँ, कांटे वाली हो या विदाउट कांटे की, आप उनको तो यही मछली बनता है। ओके, कर रहे हो ए लड़की को छोड़ो। ये वही है उस दिन वाला। क्या वे 2 साल का बम्बई का छोकरी का ठेका लेके रखा है क्या? लड़की लोगों का तो नहीं, लेकिन तुम जैसे हरामजादों का ठेका ले रहा है। अमृता का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं था मम्मी। मैंने जो फैसला किया है सनी, वो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई के लिए है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं अमृता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तो फिर आप मेरी सूरत भी भूल जाइए मम्मी। ये बात तुम अपनी माँ से कह रहे हो? ओह, तो फिर आप अपनी ममता का किराया वसूल करना चाहती हैं? देखो मम्मी, मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना जी नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती बेटी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उस लड़की के घर जाकर उससे माफी मांग लूंगी। नहीं मम्मी, आपको अमृता से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ आंटी से बात कर लीजिए ना, लेकिन उन्हें डांटिएगा मत।
नमस्ते। मैं तो अमृता की आंटी से मिलने आई थी। मैं हूँ अमृता की आंटी। तुम अमृता की आंटी कैसे बन गई? अमृता की माँ मेरी सहेली थी। उसके गुजरने के बाद मैंने अमृता को अपने पास रख लिया। उस दिन तुमने अमृता का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने मौका दिया था कुछ कहने का। बनो मत सितारा और मुझे बनाओ भी मत। तुमने इसलिए अमृता का जिक्र नहीं किया कि उसके जरिए मुझसे अपना बेटा वापस लेने के ख्वाब देख रही हो। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए सितारा, मेरा सन्नी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देखिए गायत्री देवी, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अमृता ने मुझे सनी से मिलाया, तभी मुझे पता चला वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये भी पता चला सनी आपका बेटा है। उनकी मोहब्बत पर ना तो मेरा बस है गायत्री जी, ना आपका इख्तियार। अगर सख्ती की गई तो शायद वो कुछ कर भी बैठे। अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या कर बैठेंगे? मिसाल के तौर पर शायद वो भाग जाए। ओफो, तुमने यहाँ तक तय कर रखा है? उनकी मोहब्बत को तो देखिए, उनकी शादी हो जाने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, सनी के कान तक इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी कि मैं कि आप उसकी माँ नहीं है। तुम और तुम्हारा वचन। तुम एक बार मेरा पति छीन लेने के लिए अपने तीर चरित्र का जाल बिछा चुकी हो सितारा। अपना बेटा मुझसे छीनने के लिए तुम झूठ नहीं बोलोगे? अमृता इस लायक नहीं है कि बहू बनकर मेरे घर में आए। क्यों, क्या खराबी है अमृता में? और ये मत भूलिए, जो खराबी अमृता में है वही खराबी सनी में भी है। सनी मेरा बेटा है, उसकी रगों में आप जैसे किसी ठाकुरायन का दूध खून बनकर नहीं दौड़ रहा है। वो भी एक गाने वाली का बेटा है। खबरदार जब फिर कभी तुमने उसे अपना बेटा कहा। मेरे पति तेरे पास मेरे लिए एक अपनी अमानत छोड़ गए थे, उसे मैं ले गई। सनी जहां का था वहां पहुंच गया। तू तो एक किराए का मकान थी, रहने वाले पर तेरा अधिकार क्या? अब अगर तूने या तेरी अमृता ने सनी से मिलने या दूर से देखने की कोशिश भी की तो मैं उसे इतनी दूर ले जाऊंगे कि उसकी परछाई भी हाथ नहीं आएंगे। ये शादी नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी, पर क्यों? वो लोग इस लायक नहीं। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? कह दिया ना कि वो लोग इस लायक नहीं कि इस घर से उनका कोई नाता बने। अभी तो आप गई थी और अभी आते ही आपका इरादा बदल गया। आखिर क्या खराबी निकला है उन लोगों में? फजूल की बातें मत करो सनी। ये फजूल की बात नहीं है मम्मी, ये मेरी जिंदगी की बात है। और ये घर अमृता से शादी नहीं करेगा, अमृता से शादी करूंगा मैं, चाहे इस घर को पसंद आए या ना आए। सनी, मैं आप कोई बच्चा नहीं हूं मम्मी। आखिर सितारा आंटी से आपकी ऐसी क्या बात होगी कि आपका मूड बिल्कुल? सितारा का नाम मत लो। क्यों, क्या बिगाड़ा है सितारा आंटी ने आपका? तुम्हारे इन बेहुदा सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप कैसी माँ है कि अपने बेटे को इन सवालों के जहन्नम में धकेल रही है? आपसे अच्छी तो सितारा आंटी है जिन्होंने मुझे। तो जा अपनी सितारा आंटी के पास जो मुझसे अच्छी है, और उन्हीं से पूछ कि तेरी माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। आप
अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं शीशे विशे सब कुछ तोड़ दूंगा। अमृता, अब क्यों आए हो इस नाचने गाने वाले के पास? चाहते क्यों कि अपनी इज्जतदार बबी के पास आओ? डैम इट अमृता, मेरी मम्मी ने जो कुछ कहा उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मेरा दिल मेरी मम्मी की जुबान पर नहीं है। Why don't you understand that I love you? और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकती, खुद तुम भी। आंटी, भगवान के लिए आप वो घिसा पिटा सवाल ना कीजिएगा कि इतनी रात के मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। घर जाओ। कैसा घर? अब मेरा कोई घर नहीं है। मैं मम्मी को हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ। बेटे अपनी माँ को छोड़ा नहीं करते सनी। माँ भी बेटे का दिल तोड़ा नहीं करती आंटी। जो आशीर्वाद मम्मी ने नहीं दिया वो आशीर्वाद आप दे दीजिए। मुझे और अमृता को एक सुखी जीवन का आशीर्वाद दे दीजिए आंटी। जब तक तुम्हारी माँ यह रिश्ता मंजूर नहीं करती तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो फिर ये बताइए कि मम्मी इस रिश्ते को मंजूर क्यों नहीं करती? ये बताइए कि जब वो इस रिश्ते को पहले मान गई थी आपसे मिलते ही वो हमारे खिलाफ क्यों हो गई? बहस मत करो सनी। क्यों ना करूं बहस? ये आप दोनों की नफरतों का मामला नहीं है, ये हम दोनों की मोहब्बतों का मामला है। आपको बताना पड़ेगा, आज अभी इसी वक्त आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बताइए कि मम्मी आपसे नफरत क्यों करती है? बताइए कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती? बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। लगता है मम्मी की तरह आप भी नहीं जानती कि मोहब्बत क्या होती है। ठीक है, चुप खड़ी रहिए। तुम चाहे कुछ भी कह लो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब अमृता के लिए मैंने अपनी मम्मी की मर्जी ठुकरा दी तो क्या अमृता मेरे लिए अपनी आंटी की मर्जी नहीं ठुकरा सकती? कहा नहीं शादी नहीं हो सकती। आप है कौन इस शादी को रोकने वाली? मैं हूं और मुझे ये शादी रोकने का पूरा अधिकार है। आंटी, ये थप्पड़ मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब लेना आता है। अरे भंवर सिंह, दो बज गए, सनी बाबा नहीं आए। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। हेलो हेलो, गायत्री देवी जी हैं? मैं बोल रही हूँ जी, मैं जुहू फ्लाइंग क्लब से बोल रहा हूँ। सनी बाबा ने अपने जहाज से मैसेज भेजा है कि जहाज, लेकिन वो जहाज ले कैसे गया? उसे तो जहाज उड़ाना आता ही नहीं, उसे कभी कभी उसने फ्लाइंग सीखी ही नहीं। जी वक्त नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, आप फौरन यहाँ आ जाइए वरना उनकी जान को खतरा है। वो जिद से सिर्फ 30 मिनट का पेट्रोल डालकर गए हैं। और आपसे कहा है कि अगर आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो अपने प्लेन को क्रैश कर देंगे। अमृता जी बोल रही हैं? जी मैं जुहू फ्लाइंग क्लब से बोल रहा हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाइए, सनी बाबा की जान बहुत खतरे में है। आंटी,
मुझे सनी से बात करनी है, जल्दी प्लीज। विक्टर कॉलिंग चार्ली किलो विक्टर, विक्टर कॉलिंग चार्ली किलो विक्टर, हेलो विक्टर, हेलो दिस इज बॉम्बे स्पीकिंग। बॉम्बे दिस इज विक्टर किलो विक्टर, गो अहेड प्लीज स्पीक टू योर मम्मी। हेलो हेलो सनी बेटे, सुन रहे हो मेरी आवाज? सुन रहे हो बेटे? सुन रहा हूँ मम्मी। तो अपना जहाज नीचे उतार लो। अभी मेरे पास 10 मिनट का पेट्रोल है मम्मी, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए कि आप सितारा आंटी से नफरत क्यों करती हैं? ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, तुम पहले अपना जस नीचे उतार लो बेटे। अब 9 मिनट का पेट्रोल है मम्मी, सोच लीजिए। भगवान के लिए नीचे आ जाओ सन्नी। भगवान के लिए जवाब दे दीजिए मम्मी, 8 मिनट रह गए हैं। सनी नीचे आ जाओ, तुम जो चाहते वही होगा, वही होगा सनी, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम सनी। पेट्रोल और मेरी जिंदगी को खत्म होने में अब सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। अभी मैं बहुत दिन जीना चाहता हूँ मम्मी। मुझे सुन रहे हो बेटा सनी? बिल्कुल क्लियर मम्मी। मुझे मम्मी मत कहो, मैं सिर्फ मिसेस इंद्रजीत हूँ, तुम्हारे डैडी की विधवा, एक लावारिस औरत जिसने किसी और के बेटे को अपने बेटे की तरह पाल पोस के जवान किया। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ मम्मी? नहीं, तुम इंद्रजीत और सितारा के बेटे हो। बस बेटे बस, अब नीचे उतारा, अपना जहाज नीचे लियो बेटे, प्लीज बेटे प्लीज प्लीज। मम्मी ने कहा है कि आप मेरी माँ हैं। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मेरे सामने खड़ी है। मैं गायत्री देवी के बारे में पूछ रही थी। उस औरत को देवी मत कहिए जिसने 22 साल तक मुझे अपनी माँ से दूर रखा। उस औरत की तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उस औरत ने तुझे पाला भी है, उस औरत ने तुझे सुलाने के लिए रातों की नींदें भी गवाई हैं। तेरे पहली बार चलने पर वही औरत खुशी से रो भी पड़ी होगी। उसी औरत ने तुझे जीना हंसना बोलना सिखाया है। वही औरत तेरी असली माँ है। माँ को औरत कहते हुए शर्म नहीं आई बदतमीज? लेकिन ये खून आप ही का है। बहस मत करो सानी, मेरा बेटा बनकर घाटे में रहोगे, दुनिया तुमसे तुम्हारा पिता का नाम पूछेगी, तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि क्योंकि मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ। हाँ, गायत्री देवी ने तुम्हें अपनी गोद लेकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
इतनी बड़ी दुनिया और इतने बड़े घर में आप वो बिल्कुल अकेले रह गई होंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें गायत्री देवी के पास वापस जाना पड़ेगा। कितनी आसानी से तुमने नाता तोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है ये नाता टूटा नहीं। तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती। नहीं जिया जाएगा, तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हें पाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पाकर नहीं, तुम्हें खोकर बर्बाद हो जाऊंगा। तुमसे ये किसने कह दिया इंदर कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है? प्यार का नाम है जुदाई, यही जुदाई प्यार का इनाम भी है और प्यार की सजा भी। ये सब बकवास है सितारा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम हासिल करके रहूंगा। और दरवाजे बंद मिले तो? मैं दरवाजे तोड़ दूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी सितारा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो सुन लो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। गायत्री देवी, हे भगवान। मम्मी, मम्मी क्या किया तुमने? मम्मी, डॉक्टर को बुलाओ रीता, जल्दी। नहीं सितारा, मम्मी, अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये आपने क्या किया? मैं तो आपका बेटा आपको लौटाने आई थी। मैं तो सिर्फ सनी के आया थी सितारा। आज वो नौकरी खत्म हो गई। क्या मैं सिर्फ जन्म देने से मां हो गई? हाँ, जन्म देना ही तो असली बात है। यशोदा ने कन्हैया को पाला, अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, फिर भी वो कन्हैया की मां तो नहीं हो सकी। मैं तो उन लोगों में से हूं जो अपनी तकदीर में तनाई लिखवा कर जन्म लेते हैं। इंद्रजीत को चाहा, वो गुम हो गए। तुम्हें चाहा तो तुम मुझे अपने सवालों के कोड़े मारने लगे। मेरी आत्मा लहू लहान हो गई। तब मैंने ये जाना कि मां ना होकर अगर मैं तुम्हारे लिए इतना तड़प सकती हूं तो सितारा का क्या हाल होगा, जिसे आज तक किसी ने मां कहा ही नहीं। आज मैं तुमसे सनी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं सितारा। नहीं मम्मी, प्लीज मम्मी, नहीं।
एक बार सितारा को मेरे सामने माँ कहो बेटे, माँ कहो। नहीं मम्मी, सिर्फ आप मेरी माँ हैं, सिर्फ आप मेरी माँ हैं मम्मी, सिर्फ आप मेरी माँ हैं। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? एक बार मेरे सामने सितारा को माँ कहकर मेरी मौत आसान कर दो। सनी बेटे, एक बार सितारा को माँ कहो, 22 साल तक मैंने इस शब्द को सितारा से छीने रखा, इस खैर औरत को, इस गैर औरत की सहायता करो जिसे आज तक तुम मम्मी कहते रहे। माँ कहो बेटे। माँ, फिर से एक बार, फिर। माँ, माँ। आज तुम्हारा बेटा पहली बार बोलना सीख गया है, आज पहली बार उसने अपनी माँ को माँ कहा। जीते रहो, जीते रहो बेटे। माँ,